हेलो एवरीवन, मैं राजेश कुमार वर्मा, लेक्चरर एट GWPC भरतपुर। आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री का प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट स्नेक के गुणधर्म टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला गुणधर्म है श्यानता। देखो श्यानता क्या होती है, श्यानता होती है जब कोई लिक्विड, कोई द्रव मूव करता है, गति करता है, तो उस लिक्विड की लेयर्स के बीच में, दो लेयर्स के बीच में, ऊपर और नीचे वाली लेयर्स के बीच में एक शियरिंग स्ट्रेस यानी एक बल काम करता है, एक प्रतिबल काम करता है, जो क्या करता है, जो दो लेयर है उनकी गति का विरोध करता है। जो लिक्विड है उन दोनों, जो लिक्विड है उसके बीच में जो लेयर्स हैं जो गति कर रही है उनकी जो आपसी गति है, सापेक्ष गति है, उनका विरोध करता है। तो उस लिक्विड का ये जो गुण है जो आपसी गति का विरोध करते हैं एक दूसरे लेयर की, उस गुण को हम श्यानता बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये रिलेटिव मोशन किसी भी द्रव में जितनी ज्यादा होगी, जो ये रेजिस्टेंस है वो जितनी ज्यादा होगी एक दूसरे लेयर के बीच में, पदार्थ में जो प्रतिरोध है वो ज्यादा होगा, वो पदार्थ उतना ही कम गति कर पाएगा। तो जो पदार्थ ज्यादा दूरी तक नहीं जा पाता उसकी श्यानता ज्यादा होगी, वो ज्यादा चल नहीं पाएगा क्योंकि उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है आपसी लेयर्स के बीच में वो ज्यादा होगा, और जिसकी श्यानता कम होगी वो ज्यादा दूरी तक चल पाएगा। जैसे पानी लूं और शहद, पानी काफी दूर तक चला जाएगा लेकिन शहद कम दूरी तक जाएगा, क्योंकि शहद में जो लिक्विड की लेयर्स है उनके बीच में क्या है, जो ये रेजिस्टिव फोर्स है ये क्या कर रहा है, एक दूसरे की सापेक्ष गति का विरोध कर रहा है। शहद की जो लेयर्स हैं आपसी लेयर्स हैं उनकी गति का विरोध कर रहा है, लेकिन पानी में क्या होता है, लेयर्स की गति का विरोध तो हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, इसलिए क्या होता है, ये कम शान है जल शहद की तुलना में। तो ये लुब्रिकेंट्स की मैं बात करता हूं, तो यदि ज्यादा शानता का लुब्रिकेंट लेंगे तो वो क्या मशीन के हर पार्ट में नहीं जा पाएगा, और जो अधिक कम शान होगा वो मशीन के हर पार्ट में ज्यादा जल्दी पहुंच पाएगा। तो हम क्या करते हैं, कम शानता वाला जो लिक्विड है वो क्या करते हैं, भारी मशीनों में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो अधिक गति व हल्की मशीनों में कम शानता वाला, अधिक गति जिन मशीनों होती हो और मशीन हल्की हो उनमें कम शानता वाला स्नेक यूज करते हैं, और भारी मशीनों में जिनमें गति कम होती है, जाहिर सी बात है जो भारी मशीनें होती है उनका जो रिवोल्यूशन है या फिर जो गति है उनमें कम होती है, तो वहां पर क्या करते हैं, हम अधिक शानता वाला स्नेक यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया शानता प्रॉपर्टी हो गया स्नेक का। हम अलग अलग मशीनों के लिए कहीं पर कम श्यानता वाला स्नेक भी यूज करते हैं, कहीं पर ज्यादा श्यानता वाला स्नेक भी यूज करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है अपना श्यानता सूचकांक यानी विस्कोसिटी इंडेक्स। देखो हम ये देखते हैं कि ताप में परिवर्तन के साथ श्यानता में कितना बदलाव आता है, श्यानता कितनी कम होती है, द्रव की श्यानता तापमान बढ़ाने पर हमेशा कम होती है। तो हम क्या करते हैं, जिस स्नेक की श्यानता ताप के साथ परिवर्तन कम होता है, मतलब यदि ताप बढ़ जाए तो श्यानता का मान क्या होना चाहिए, कम से कम चेंज हो, इस तरह के जो लुब्रिकेंट्स है वो जनरली हम यूज करते हैं। तो श्यानता सूचकांक क्या होता है, ताप के साथ यानी टेम्परेचर के साथ श्यानता में परिवर्तन की दर, विस्कोसिटी में परिवर्तन की जो दर है टेम्परेचर के साथ उसको हम श्यानता सूचकांक कहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि जो श्यानता विस्कोसिटी है उसमें टेम्परेचर के साथ कम से कम चेंज हो, इस प्रकार के हम लुब्रिकेंट जनरली यूज करते हैं। तीसरा है अपना ऑयलनेस तेलियता, हम ये चाहते हैं कि हमेशा जो लुब्रिकेंट्स है उसकी ऑयलनेस बनी रहे, चाहे वह तेज गति करता हो, चाहे उच्च ताप पे हो, चाहे उच्च दाब पे हो, किसी भी धातु की सतह पे हो, इसकी जो तेलियता है ऑयलनेस है ये प्रॉपर्टी हमेशा बनी रहनी चाहिए। ठीक है, तो एक अच्छे स्नेक के लिए क्या होगा कि जो ऑयलनेस तेलियता है इसका मान हमेशा हाई होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। ठीक, फोर्थ प्रॉपर्टी है अपनी फ्लेश पॉइंट प्रज्वलन बिंदु जिसको हम कहते हैं, तो ये वह न्यूनतम तापमान है, एक मिनिमम टेम्परेचर है जिसपे कोई भी लुब्रिकेंट जो क्या है वेपराइज हो जाए, मतलब वाष्पित होने लगे। ठीक है, ये वाष्पित होने लगता है, वह कम से कम तापमान होता है जिसपे क्या है ये वाष्पित होने लगे,
तो ऐसा हम लुब्रिकेंट यूज नहीं करेंगे जो जल्दी ही कम टेम्परेचर पर ही वाष्पित हो जाए। तो इस तरह का जो लुब्रिकेंट्स होता है वो कम ताप पे वेपराइज हो जाए, वाष्पित हो जाए, वो बाद में क्या करता है, तेल के ऊपर की जो वायु है उसके साथ एक्सप्लोसिव मिक्सचर बनाता है, मतलब विस्फोटक मिक्सचर बनाता है। तो अच्छे स्नेह किसको कहेंगे, जिसका मान मतलब फ्लेस पॉइंट यानी उच्च ताप तक वो वेपराइज नहीं हो, इस प्रकार के फ्रेश पॉइंट वाले हम लुब्रिकेंट्स का यूज करेंगे। ठीक है, पांचवा बिंदु है, और हम फ्रेश पॉइंट को ज्ञात करने के लिए पेनस की मार्टिन जो इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है, उसका यूज करते हैं। पेनस की मार्टिन फ्रेश पॉइंट टेस्ट के लिए यूज करने वाला इंस्ट्रूमेंट। फिफ्थ अपना है फायर पॉइंट, अग्नि बिंदु। देखो अग्नि पॉइंट, अग्नि बिंदु भी वही है कि हम क्या करते हैं कि जब किसी जो लुब्रिकेंट्स है वो टेम्परेचर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो वेपराइज होने लग जाते हैं, वाष्पित होने लग जाते हैं। लेकिन अग्नि बिंदु में क्या होता है, फायर पॉइंट में क्या होता है, ये जल्दी आग पकड़ लेता है, वेपराइज होने के साथ साथ जल्दी अचानक से आग पकड़ लेता है। तो इस तरह का जो प्रॉपर्टी शो करने वाला लुब्रिकेंट है उसको बोलते हैं फायर पॉइंट। ठीक है, और ये क्या होता है, वायु के साथ निरंतर जलता रहता है। तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी लुब्रिकेंट यूज करे जो अपने को अच्छी एफिशिएंसी दे, उसका फायर पॉइंट का मान अधिक होना चाहिए। ठीक है, सिक्स वन है अपना अम्लीय मान। हम ये चाहते हैं कि जो लुब्रिकेंट होता है उसमें अम्ल कम से कम हो। अम्ल कम से कम होने का क्या मतलब है कि यदि अम्ल होगा लुब्रिकेंट में तो वो क्या करेगा, जो मशीनरी है उसको प्रभावित करेगा, उसमें कोरोजन यानी जंग लगने के चांसेस अधिक रहते हैं यदि लुब्रिकेंट अम्लीय हम यूज कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, KOH की सहायता से क्या करते हैं, इस स्नेह की जो अम्लीय प्रकृति है उसको नष्ट कर देते हैं, जो एसिडिक नेचर जो है उसको नष्ट कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। तो ये होता है अम्लीय मान। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम अम्लीय मान हो किसी भी लुब्रिकेंट का, जिससे मशीनों को जंग नहीं लगे, इसका मान हम हमेशा एक से कम लेते हैं। तो किसी स्नेह का अम्लीय मान है वो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मिलीग्राम में जो मात्रा है ना, तो उसको एक ग्राम स्नेक में उपस्थित स्वतंत्र अम्लों को उदासीन करने के लिए होती है। मतलब जो KOH है उसकी मिलीग्राम में वह मात्रा होती है जो एक ग्राम स्नेक को, जो उसकी एसिड वैल्यू है उसको खत्म कर दे, वो अम्लीय मान होता है। और हम ये मानते हैं कि जो अम्लीय मान है एक आदर्श स्नेक के लिए एक से कम होना चाहिए। अगला है सपोनिफिकेशन वैल्यू यानी साबुनीकरण बिल्लू। तो जो वसीय तेल होते हैं, फैटी ऑयल होते हैं, उनका क्षार के साथ हम अपघटन करते हैं तो उससे अपने को साबुन प्राप्त होता है। ठीक है, जो एस्टर्स होते हैं उनका KOH के साथ रिएक्शन होता है और ग्लिसरॉल बनता है, वो क्या होता है, साबुनीकरण होता है। ठीक है, तो जो KOH की मिलीग्राम में जो मात्रा है वो एक ग्राम तेल को साबुनीकरण में अगर कितना बदल पाती है उसको हम साबुनीकरण संख्या बोलते हैं, सपोनिफिकेशन वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो एक अच्छे जो साबुन मतलब साबुनीकरण प्रक्रिया के लिए इसका मान वो मीडियम होना चाहिए। अगला है इमल्सिफिकेशन, एट है पायसीकरण। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, जैसे इमल्स एक पायस का उदाहरण होता है खीर। ठीक है, इसी तरह का यदि कोई बन जाए वहां पर ये लुब्रिकेंट तो उसको पायसीकरण बोलते हैं। तो यदि उच्च तेल जो ये लुब्रिकेंट्स हैं वो उच्च दाब पर अपने अंदर जो नमी है उससे क्रिया कर लेते हैं, अब नमी से क्रिया करके जो मिट्टी धूल आदि के कण हैं उनको सोख लेते हैं, जिससे क्या है हेवी बन जाते हैं। हेवी बनने से क्या होगा, जो इनका एक्चुअल वर्क लुब्रिकेशन का, चिकनेपन का, वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। तो हम ये चाहते हैं कि जो पायसीकरण की प्रॉपर्टी है कम से कम शो करे कोई भी लुब्रिकेंट्स। नोवा पॉइंट है अपना नाइन्थ, बहाव बिंदु एवं धुंध बिंदु, पोर एंड क्लाउज पॉइंट। ठीक है, तो पोर एंड क्लाउड पॉइंट क्या होता है कि कई ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम ज्यादातर जो कोल्ड एरियाज होते हैं वहां पर देखते हैं कि जम जाते हैं, बहुत कम टेम्परेचर, क्या वहां पर टेम्परेचर कम होता है तो वहां वो क्या करते हैं, जम जाते हैं या कार्य करना बंद कर देते हैं।
तो वह न्यूनतम तापमान, वह मिनिमम टेम्परेचर जहां पर ये जो लुब्रिकेंट है स्नेक वो अपना काम करना बंद कर दे, उसको बोलते हैं बहाव बिंदु या बहना बंद कर दे सिंपल लैंग्वेज में, वह न्यूनतम तापमान। तो हम क्या चाहते हैं कि इस तरह के लुब्रिकेंट यूज नहीं हो, इनका इतना भी कम तापमान, कभी भी कम तापमान हो तो इस तरह के लुब्रिकेंट यूज नहीं कर सकते हम कोल्ड एरियाज में कि ये बहना छोड़ दे या फिर जो काम है इनका वर्किंग है वो बंद कर दे। या फिर कई बार क्या होता है कि ये धुंध की अवस्थाओं में आ जाते हैं, ठीक है, क्लाउड स्टेज में आ जाते हैं जिससे ये काम नहीं कर पाते, तो क्लाउड स्टेज को भी अपने को रोकना है। या इस तरह की प्रॉपर्टी जो लुब्रिकेंट शो नहीं करे उस तरह के लुब्रिकेंट्स हम यूज करेंगे। 10th पॉइंट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है कि ये जो कोई कुछ कुछ लुब्रिकेंट्स होते हैं वो एयर के कॉन्टेक्ट में आके ऑक्सीकृत हो जाते हैं जिससे क्या होता है तापमान बढ़ता है, ठीक है, सॉरी तापमान नहीं बढ़ता है, ये जो रिएक्शन है वो ताप के साथ बढ़ती है, मतलब ऑक्सीडेशन वायु के साथ जो रिएक्शन करने की क्रिया है वो ताप के साथ बढ़ती जाती है। तो इससे क्या होता है तेल गाढ़ा हो जाता है, हेवी हो जाता है जिससे वो वास्तव में उसकी जो स्नेक की प्रॉपर्टी उसको शो नहीं कर पाता, एक इंटरप्ट हो जाता है, बाधा पहुंच जाती है जिससे वो लुब्रिकेंट का काम नहीं कर पाता। तो कम से कम ऑक्सीकरण हो या फिर स्नेक में ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी हो ही नहीं, इस तरह का हम स्नेक यूज करते हैं। 11th है कार्बन अवशेष, कार्बन रेजिड्यू। कई बार हम देखते हैं कि जो स्नेक है वो अंदर ही अंदर कई बार खराब हो जाता है, उसके कुछ पार्टिकल्स है, कुछ कण है वो मशीन के बेयरिंग इनमें चले जाते हैं जिससे जो मशीन के पार्ट्स हैं उनमें या तो जंग लग जाती है या उनमें जो फ्रिक्शन का मान बढ़ जाता है जिससे उन पार्ट्स को खतरा हो जाता है। तो कार्बन जो रेजिड्यू है, कार्बन जो अवशेष है, उनका मान कम से कम मशीनों के अंदर जाए या जाए नहीं, इस तरह की हम स्नेक की यूज करने की कोशिश करते हैं। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट। अब इसके जो नोट्स हैं इनके बारे में जो विस्तृत डिटेल है वो आपको YouTube के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।